जीतेंगे। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान फर्क, जो यहाँ आए हैं, लगातार पोलिंग स्टेशनों पर जा रहे हैं और लगातार वोटरों से भी मिल रहे हैं और अपनी जीत को लेकर भी पूरी तरह से दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज। और संभल से नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई, पुलिस के साथ संभल में नोकझोंक हुई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता दें, संभल में वोटिंग के दौरान पुलिस से नोकझोंक की खबर है। जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस के साथ बहस की है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क, जो पुलिस से नोकझोंक करते हुए नजर आए। जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस के साथ बहस की, नोकझोंक की है पुलिस के साथ। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, इस वक्त ये बड़ी जानकारी संभल से सामने आ रही है, पुलिस के साथ नोकझोंक की खबर है। सपा प्रत्याशी की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जियाउर रहमान बर्क हैं संभल से सपा के प्रत्याशी, जिनकी पुलिस से बहस हुई। और जियाउर रहमान ने क्या कुछ कहा सुनिए जरा। आयोग ने अधिकार दिया है, जिन लोगों की पर्ची नहीं कट पाई है वो वहां पर रह करके पर्ची बना है, लेकिन उनके बच्चों को छीन करके खींच करके और उनको बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ जो बीएलओ है, अब बीएलओ की मेरे पास वीडियो भी आएगी, वो भी आपको मुहैया करा दूंगा। जो सरकारी बीएलओ हैं उनके भी बस्ते छीन लिए गए। सरकारी बीएलओ के बस्ते छीनने का क्या मतलब बनता है कि जिससे कि मतदान नहीं हो, वो चुनाव आयोग चाहता है लाखों करोड़ रुपए खर्च कर, अरबों रुपए खर्च करके परसेंटेज बढ़ा रहा है, और ये जो है परसेंटेज कम नहीं ख़त्म करने का काम कर रहा है यहाँ का पुलिस प्रशासन। सरकारी अधिकारी जो बीएलओ हैं उनके बस्ते छीन लिए गए। आगरा से संजय सिंह, बदायूं से विजय श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विजय आपके पास ही मैं आ रहा हूं, ताजा अपडेट करिए आप बदायूं से। चलिए हम आगरा संजय के पास चल रहे हैं, उसके बाद हम बदायूं चलेंगे। संजय, क्या अभी अपडेट है वोटिंग परसेंटेज का भी और लोगों की संख्या, क्या धूप कम होते होते चूंकि अब शाम हो रही है और वोटिंग का समय भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो क्या संख्या बढ़ रही है? आगरा की बात की जाए तो अगला में 3 बजे तक 46% यानी 46% बढ़ती हुई संख्या में वोटर परसेंट बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं लोकसभा की बात की जाए तो 46% वोट वहां बढ़ गया, तो लगातार जो वोटर परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो धीमे धीमे लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं और आप कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सर, इस मुद्दे को लेकर आपने वोट दिया है, क्या सोचा आप? दूसरी बात, बहुत सारे लेकिन विकास की बात भी कह रहे हैं और भी कुछ हो गए, आप बताइए। आज नहीं बात करना चाहिए, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से लगातार जो वोटर परसेंट बढ़ाने की बात कही गई थी, क्योंकि दो जो चरण गए थे उसमें वोटर परसेंट कम हुआ था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वोटर परसेंटेज बढ़ रहा है। कुछ और लोग हैं, ऐसे बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप वोट किया है आपने, आज ब्रॉडकास्ट किया आपने, क्या सोचा क्या आपने, क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए खासतौर से? जी क्या नहीं बता पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। और भी कुछ वोटर्स हैं जो अपना वोट का प्रयोग करके यहाँ पहुँच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो मतदान केंद्र है, ये आगरा लोकसभा का मतदान केंद्र है, जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्या सोचा, किस मुद्दे को लेकर वोट दिया है। आपसे बात करेंगे, आप महिला हैं तो क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने, क्या सोचा आपने वोट करने? जी, गृहिणी भी है, महिला भी, आप रोड से भी जाती है, तो क्या सोचा आप? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर बात की गई है और देश की जो सुरक्षा को लेकर बात की गई है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिस प्रकार से बुजुर्ग जो महिला है वो वोट कास्ट कर रहे हैं या पहुंच रही है, कहने की जो लोकतंत्र का पर्व है उसका भाग लेने भी पहुंच रही है। सीधे सीधे बात करेंगे, आप वोट करने आई है, क्या सोच रही है वोट करने से पहले,
किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? बिल्कुल तो साफ तौर पर ठीक है संजय, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। हम विजय का रुख करेंगे, बदायूं अब चल रहे हैं सीधा। विजय बदायूं से क्या अपडेट है? चल आपको सौरभ बता दूं, बदायूं जिले में जो अब तक जो मतदान प्रतिशत है 45% हो गया, ये बदायूं के लिए बहुत अच्छी बात है। अब तक जो 45% मतदान पर, अभी चुनाव में लगभग 2 घंटे लगभग बाकी है। माना जा रहा है कि पिछली बार जो 51% वोटिंग हुई थी, इससे कहीं ना कहीं ज्यादा वोटिंग इस बार होने जा रही है। वही मैं अगर बात करूँ बदायूं जिले की, तो लगातार इस जगह पर जरूर जानकारी इस बात की आई थी कि ईवीएम खराब हुई है। वहां जिला प्रशासन ने मौके पर भेजकर ईवीएम को तुरंत बदलवाया। उसके बाद कहीं जगह से छुटपुट घटनाएं भी सामने आई, कहीं पर चुनाव का बहिष्कार किया गया, तो कहीं पर प्रत्याशी जो विपक्षी पार्टियों के थी यानी कि समाजवादी पार्टी के, उनके तमाम आरोप थे पुलिस प्रशासन के, लेकिन तमाम ऐसी छोटी बड़ी चीजों के बीच पर जो है अब तक वोटिंग बदायूं में 45। ठीक है, आप विजय बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। संभल की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। जियाउर रहमान जो सपा के प्रत्याशी हैं, पुलिस के साथ उनकी जो नोकझोंक हुई उसकी तस्वीरें देखिए और जरा सुनिए आप। मीडिया के लोग हैं और आप तस्वीरें ये संभल से देख रहे थे। जियाउर रहमान बर्क की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई और उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि इंडिया न्यूज संवाददाता ने जियाउर रहमान बर्क से बातचीत भी की इस नोकझोंक को लेकर, इस झड़प को लेकर, तो उन्होंने अपना तर्क भी इस नोकझोंक को लेकर दिया। दो रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बदायूं से विजय हमारे साथ बने हैं और आगरा से संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रहा हूँ, फिर विजय आपके पास मैं आऊँगा। संजय क्या आगरा में महिलाओं का कहना है, युवा वोटर्स क्या कह रहे हैं, बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं, प्रशासनिक इंतजाम आप कैसे देख रहे हैं वोटिंग को लेकर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग बढ़ चढ़ कर तभी हिस्सा ले पाते हैं जब प्रशासन भी उतना ही जागरूक होता है। संजय बिल्कुल साफ तौर पर प्रशासन के इंतजाम की बात की जाए तो प्रशासन जो इंतजाम है वो चाकचौबंद रखे गए। देखो पिछली 2 चरणों में जो वोटिंग परसेंट कम हुआ था उसको लेकर सबक लिया गया, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो कवायद थी वो कवायद शुरू कर दी गई। उसी का नतीजा है कि जो वोट ऑफ परसेंट है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आगरा की बात की जाए तो 43% अभी तक वोट कास्ट हो चुका है और फतेहपुर सीकरी की बात करी जाए तो 46% वोट कास्ट हो चुका है। लगभग 60% के लमसम ये वोट कास्ट की बात की जा रही है, 60% के लगभग ये वोटिंग होगी। और दूसरी चीज जो आपने जो बात कही, कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो युवा वोटर कहीं ना कहीं जो विकास की बात है, विकास की बात तो कह रहा है लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार की बात भी कह रहा है, कहीं ना कहीं अपनी बात भी बता रहा है। और साथ ही जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अपने पेंशन की बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं, सुविधाओं की बात भी कह रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के विचार है लोगों के, विकास की बात भी है, रोजगार की बात भी है, महंगाई की बात भी है, अलग अलग प्रकार के विचार। ठीक है संजय बने रहिए, विजय आप भी बने रहिए। जौनपुर हम आपको लेकर चलेंगे। अब जौनपुर से एक अलग तस्वीर सामने आई है, निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन खारिज हुआ। जौनपुर से निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन खारिज हुआ है, ये बड़ी जानकारी। अमित सिंह, निर्दलीय उम्मीदवार अमित सिंह का नामांकन खारिज हुआ, निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन खारिज हुआ है जौनपुर में, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो जौनपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी इस वक्त जौनपुर से सामने आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार अमित सिंह का नामांकन पत्र खारिज हुआ है, यह बड़ी खबर जौनपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। नामांकन खारिज होने के बाद अमित सिंह फूट फूट कर रोए हैं,
घर भेजकर चुनाव लड़ने के लिए पैसे लगाए थे, ये अमित सिंह की तरफ से कहा गया। नामांकन खारिज होने के बाद अमित सिंह का रिएक्शन आया और वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। निर्दलीय उम्मीदवार अमित सिंह का नामांकन खारिज हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए सुनिए वो रो रो कर क्या कह रहे हैं। उन्होंने बोला मैं गारंटी लेता हूँ पर्चा खारिज नहीं होगा। उन्होंने भाग गए, अभी मालूम नहीं किधर गए। उन्होंने उनको फोन किया, बोलते हमारा गलती नहीं है। मैंने कहा फिर किसका गलती है, सब पेपर तुमने 29 तारीख को ही मेरे को केजरी चालान भरवाया, मैंने 25,000 जमा करके आया, करंट अकाउंट में पैसा डालने के लिए बोला उसमें भी मैंने डाला, क्या नहीं किया, 4 दिन 5 दिन है भाई साहब खड़े हैं, कितना दिन भाग के आया मैं यहाँ, ये लोगों ने मेरा खारिज कर दिया। क्या क्या किया, किस लोकसभा से भरा था आपने? 73 से, इस पार्टी से? पार्टी नहीं, निर्दल से भरा था। क्या बता के नाम आपका, नाम क्या है? अमित सिंह है जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया जौनपुर में लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन किसी कारणवश अमित सिंह का नामांकन खारिज कर दिया गया और उसके बाद अमित सिंह फूट फूट कर रोने लगे। वो बार बार बातचीत करके ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, कैसे कैसे करके पैसे जुटाए या तमाम सारी व्यवस्थाएं उनकी तरफ से की गई, लेकिन आखिरकार जब उनका नामांकन खारिज हुआ है तो उनको इस बात का काफी दुख हुआ है, फूट फूट कर अमित सिंह रोने लगे। एक बार फिर से आप सुनिए। उन्होंने बोला मैं गारंटी लेता हूँ पर्चा खारिज नहीं होगा। उन्होंने भाग गए, अभी मालूम नहीं किधर गए। उन्होंने उनको फोन किया, बोलते हमारा गलती नहीं है। मैंने कहा फिर किसका गलती है, सब पेपर तुमने 29 तारीख को ही मेरे को केजरी चालान भरवाया, मैंने 25,000 जमा करके आया, करंट अकाउंट में पैसा डालने के लिए बोला उसमें भी मैंने डाला, क्या नहीं किया, 4 दिन 5 दिन है भाई साहब खड़े हैं, कितना दिन भाग के आया मैं यहाँ, ये लोगों ने मेरा खारिज कर दिया। क्या क्या किया, किस लोकसभा से भरा था आपने? 73 से, इस पार्टी से? पार्टी नहीं, निर्दल से भरा था। क्या बता के नाम आपका, नाम क्या है? अमित कुमार सिंह। अमित कुमार सिंह को आप सुन रहे थे। देखिए उन्होंने बताया कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन किसी कारण से उनका नामांकन खारिज कर दिया गया और किसी एक व्यक्ति को लेकर वो बार बार इस बात को भी कह रहे हैं कि उन्होंने दावा किया था कि आपका नामांकन खारिज नहीं होगा, लेकिन अब वो उनके संपर्क से दूर है। तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से लगातार संवाददाता बने हुए हैं, सीधा अपने संवाददाताओं का एक बार फिर से हम रुख करते हैं, क्योंकि संवाददाताओं से बातचीत इसलिए भी जरूरी है कि आखिर वोटर्स ग्राउंड पर क्या कह रहा है, वोटर्स की मांग क्या है, वोटर्स के मुद्दे क्या हैं, वोटिंग परसेंटेज कितना पहुंचा है, उत्साह कितना ज्यादा लोगों के अंदर नजर आ रहा है, ये तमाम सारी चीजें हैं। हम मनोज के पास अब चल रहे हैं, हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज आप बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके पास अभी तक का, वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं? कॉल कनेक्ट है मनोज, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए अभी लगता मनोज से हमारा संपर्क नहीं हो। आगरा हम चलते हैं, आगरा से संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संजय आपके पास मैं आ रहा हूं, अभी तक का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा क्या अपडेट हुआ है, क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए वोटिंग को परसेंट की बात की जाए तो आगरा की 25 लोकसभा सीट है, उसमें 43% वोट कास्ट हुआ है और जो फतेहपुर सीट भी लोकसभा है उसमें 40% वोट कास्ट हुआ है, तो यानी 60% के लमसम देखा जा रहा है, 60% के लमसम ये वोट कास्ट। चलिए संजय टेक्निकल इशू है आपके पास भी, मैं लौटूंगा। हम विजय के पास चल रहे हैं, विजय आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है विजय आप बदायूं से अपडेट करिए, अभी क्या ताजा अपडेट बदायूं में है? बिल्कुल आपको बता दें, बदायूं में जो अब तक का मतदान प्रतिशत है यानी कि 4:45 का समय हो चुका है, 4:45 का जो 3 बजे तक का जो अपडेट है वो है 45% से ज्यादा जो मतदान है बदायूं में हो चुका है। और माना जा रहा है कि बार जो है बदायूं में पिछला रिकॉर्ड रहा है लोकसभा चुनाव का, उससे कहीं ना कहीं बदायूं का मतदान हुआ है, एक बहुत ही अच्छी बात है बदायूं के लिए। ब्लूटूथ अनकनेक्ट हो गया हमारा, हमारा
प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अलावा तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने भी इस बात को लेके रिक्वेस्ट किया कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इसका थोड़ा बहुत असर जो है वो जरूर दिखाई दे रहा है। बताइए मैं जो देर तक जो अपील है वो चलिए आपको रोक रहा हूँ, शिवपाल यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधा लेकर चलते हैं। और जनता तो वोट कर रही है, लेकिन जितने भी पुलिस अधिकारी से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के जितनी क्रूरता से जनता के साथ जो व्यवहार और जो वोट को वोट परसेंटेज को रोका जा रहा है, तो देखिए इनको ये पता नहीं है कि सरकारें बदलती हैं, और जब सरकार बदलेगी तब इनको पता चलेगा कि कितना इन्होंने जो लोकतंत्र का ये पर्व है और जनता वोट डालना चाह रही ये देखिए ये बीएलओ से पर्चा छीन करके पुलिस अधिकारियों ने बदायूं से लेकर के यहाँ मैनपुरी और खासकर हमारे जसवंत नगर में परसेंटेज बोर्ड बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, तो ये 40% जैसे हुआ तो इतनी क्रूरता के साथ उन्होंने यहाँ पर जो वोट एजेंट हैं अभी सैपई थाने में देख आइएगा, वहाँ वोट डालने जा रहे थे लोग उन्हीं को पकड़ के बैठा लिया। क्या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। और पता चलेगा जब सरकारें बदलेंगी कैसे निष्पक्ष चुनाव होता है, और इन अधिकारियों को पता फिर चलेगा कि कैसे निष्पक्ष चुनाव होता है। हमने तो आयोग में भी इनकी कंप्लेंट की है कि ऐसे जो कर्मचारी हैं ये अधिकारी हैं इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करें। आदित्य को धरने पर बैठना पड़ गया, शिवपाल जी आदित्य यादव धरने पर बैठ गए हैं, ये नौबत क्यों आ गई, क्या लगता है आपको? जबकि ये वहाँ पर तो देखिए जैसे ही अल्पसंख्यक और खासकर यादव वोट जैसे ही आता है वैसे ही लाठी, और वहाँ पर महिला मुस्लिम महिलाओं के साथ जैसे ही लाठी चार्ज किया है और भगा दिया है, और वहाँ से देखिए बीएलओ को भगा दिया है, बीएलओ को पर्चा छीन लिया है, सब पर्चियाँ छीन ली हैं, और हमारे जो एजेंट थे वहाँ पर जो भी बस्ते लगे थे वो कई बार 3 बार सहसवान में इस्लाम नगर में फट दिया, तब आदित्य को वहाँ धरना देना पड़ा, कोई टेलीफोन नहीं उठा रहा, सबके सब अधिकारियों के पुलिस अधिकारियों के जैसे सीओ है जी। सीओ के साथ एसएचओ हैं सबके फोन बंद हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है। ये चुनाव हराने की साजिश हो रही है क्या शिवपाल जी, क्या लगता है आपको? देखिए जनता ने तो वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है, लेकिन जहाँ जहाँ पर कस्बे थे समाजवादी पार्टी का इनको लग रहा था और हमेशा परसेंटेज अच्छा रहता था, वहीं पर इन्होंने इतनी क्रूरता से वहाँ पर एजेंटों को उठा लिया है, लाठीचार्ज किया है और भगा दिया, अभी भी भगा रहे हैं, अब भी लगातार भगा रहे हैं, तो वोट नहीं डालने दे रहे हैं, और हम लोग सवेरे से इनसे कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब बिल्कुल जहां पर परसेंटेज अच्छा पड़ता है इशारा कर देता है, वैसे ही एजेंटों को पकड़ पकड़ के बंद और भगा देते हैं, बस्ते फाड़ देते हैं। इसका असर क्या होगा शिवपाल जी, जो आप बता रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, इसका असर क्या होगा? तब भी देख लेना। हम बदायूं का चुनाव जीतेंगे, समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव डिंपल यादव मैनपुरी से इतनी क्रूरता होने के बाद भी डिंपल भी जीतेगी आदित्य भी जीतेंगे। आप लगातार अपने घर में बैठे रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, आप कहीं निकले नहीं बाहर? नहीं ऐसा हुआ, देखिए शाम को जब नेशनल हाईवे से मैं आ रहा था तब भी डीएम और एसएसपी ने यहाँ मुझे रोका और कहें तो आप तो चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं। मैंने नेशनल हाईवे को कौन रोक सकता है, मैं तो कल बदायूं से आया हूँ शाम को और अभी भी वहाँ से चल के आ रहा हूँ, फिर आके थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा
आया हूँ। आप पर ही आरोप लगा दे गड़बड़ी करने का, बताओ हम वहाँ बैठे तब आरोप लगा रहे हैं। और बताइए यहाँ देखिए अभी एक एसआई था, गली गलौज कर रहा। यहाँ पर क्या हुआ अभी आप आए तो हमने देखा, देखिए वहाँ पर जितने हम एजेंट थे तो गाली गलौज करने लगा, गाली गलौज करने लगा। क्यों आ गए, क्यों अगर उसमें एजेंट नहीं रहेंगे पूरी तरह से। यहाँ पर जितने भी अधिकारी थे एसडीएम रहे, सिटी मजिस्ट्रेट और से लेकर के सब, बस बेईमानी करो परसेंटेज। अभी भी औरतें आ रही आपके सामने गई और रोक रहे हैं। अच्छा इस तरीके से टेरर फैला रहे हैं जैसे वोटर ना आए, और वोटर बार बार उसका अच्छा पुलिस को, अच्छा पुलिस को क्या करने का कौन सा अधिकार है। शिवाजी राम गोपाल जी ने एक यहाँ पर बयान दिया सुबह न्यूज 18 को कि राम मंदिर बेकार बना है, उसका जो वास्तु है वो गलत है। थोड़ा सा नीचे करो, तो वास्तु गलत है तो आप वहाँ देख लो, वास्तु गलत है तब तो फिर सुबह ही नहीं होगा उनको। मंत्री जी अभी चलिए ठीक है, धन्यवाद। अयोध्या गए, रोड शो किया कि मंदिर मतलब फिर बना पाएंगे। तो शिवपाल सिंह यादव को सुन रहे थे, आरोप प्रत्यारोप चुनाव के बीच में ही चल रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर की हम बात करेंगे। दरअसल स्मृति ईरानी की तरफ से भी बयान दिया गया है और कांग्रेस पार्टी पर स्मृति ईरानी ने हमला बोला है। कांग्रेस राम मंदिर के खिलाफ है ये स्मृति ईरानी कह रही हैं। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पलट देगी राम मंदिर का फैसला, स्मृति ईरानी का ये बयान है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, सुनिए क्या कुछ स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया। आज एक भयावह सच, कांग्रेस के जो 32 साल के नेता रहे उन्होंने राष्ट्र के सम्मुख एक घिनौना सत्य राहुल गांधी का प्रस्तुत किया। कांग्रेस पार्टी के ही नेता का यह आरोप है कि राहुल गांधी की यह मंशा है और गांधी परिवार की यह मंशा है कि राम मंदिर के निर्णय को अगर उनको थोड़ी सी भी सत्ता मिली तो उस निर्णय को वो पलट देंगे। सुबह से लेकर अब तक ये विषय चल रहा है लेकिन एक भी स्पष्टीकरण गांधी परिवार से नहीं आया। ये सत्य है और जग जाहिर है कि गांधी परिवार रामलला के भव्य मंदिर और विशेषता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। तो राम मंदिर को लेकर सियासत खूब होती रही है, राजनीतिक चर्चाओं के बीच में राम मंदिर रहा और अब चुनाव के बीच में भी राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से उठाए स्मृति ईरानी ने। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी को घिरा है। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम